बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट बहरीन के हवाले से। बहरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भाई खोल दी हैं तमाम तर ममालक के लिए। जैसा कि भाई आप सब भाइयों को पता है, कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने भी 25 ममालक के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोली हैं, बशर्ते के साथ शराइत को मद्देनज़र रखना होगा, जो कि मैंने आपके साथ एक तफसील से वीडियो शेयर कर दी थी जिसमें भाई पाकिस्तान और इंडिया का इन दोनों ममालक का नाम नहीं रखा गया था। और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों या हफ़्तों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स भी भाई खोल दी जाएंगी सऊदी अरब के लिए। तो बहरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भाई खोल दी हैं तमाम तर ममालक के लिए। किसी भी मुल्क के लिए ये नहीं कहा गया है कि इस मुल्क के अफराद अब भी भाई बहरीन में दाखिल नहीं हो सकते। आप भाई किसी भी कंट्री से तल्लक रखते हैं, आप बहरीन में अगर मुकीम पहले से थे, इस कर्फ्यू के भाई बावजूद आप नहीं जा सके वापस, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आ सकते हैं बहरीन में वापस। तो भाई बात करूंगा मैं सबसे पहले आपको यहां पर कुछ तस्वीर या वीडियो दिखा दूं बहरीन एयरपोर्ट के मुतल्लक, जो मैंने भाई आज से गालबन यही बोल रहे हैं, एक साल पहले की बात था जब मेरा भाई 3 घंटे का स्टे था बहरीन एयरपोर्ट पर। तो वो मैं आपको भाई सबसे पहले दिखा दूँ तस्वीर या शायद वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट के मुतल्लक, जो मेरे भाई बहरीन में मौजूद हैं उनको तो पता है, लेकिन भाई आप देख लें यहाँ पर जो एयरपोर्ट है ना बहरीन का, वो बिल्कुल सऊदी जैसा नहीं है या पाकिस्तान जैसा नहीं है, वो भाई आज़ाद माहौल होता है यहाँ पर। जब मैं भाई उस वक्त उतरा था तो शायद और यूरोप कंट्री की कोई फ्लाइट लगी हुई थी, तो गोरियाँ जो आ रही थी ना उन्होंने वही लिबास पहना हुआ था जो कि आप वो भाई अपने मालिक में पहनती हैं। उसके अलावा भाई विस्की वगैरह आम थी एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें मैंने देखा था ब्लैक लेबल ब्लू लेबल ऐसी बहुत सी बोतलें पड़ी हुई थी। और आप यकीन करें एक छोटी बोतल थी, उसकी शायद मैं वीडियो या तस्वीर नहीं बना सका, वो क्या था भाई कि वो 30 रियाल की थी और 22 दरहम की थी वो बोल रहे थे, तो वो एक पैक होगा। वो बहुत से मैंने अफराद देखे हैं वो भी खरीद रहे थे और उसे भी पी रहे थे, एक घूंट ही था वो। तो बात करने का मकसद यह है कि एयरपोर्ट पर बिल्कुल आज़ादी है बहरीन के, आपको आप कुछ भी वहां से खरीद सकते हैं पी सकते हैं, कोई किसी किस्म की रोकथाम नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड है ये चीज़। तो जैसा कि ये तमाम तर रौनकें भाई बंद हो गई थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन के एयरपोर्ट भी भाई रौनकें लग गई हैं और तमाम तर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी बहरीन में आ सकती हैं। जो मेरे भाई बहरीन में काम कर रहे थे और इस कर्फ्यू के बावजूद इस वायरस के सबब छुट्टी पर गए हुए थे और वापस नहीं आ सके थे, तो वो भाई अभी बहरीन में अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।